मैं एक जरूर आवाज बोलना चाहता हूं, हमारे आगे दो चुनौती और वो चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की मनी पावर और मीडिया पावर। मनी पावर इसलिए कि 2017 के इनकम टैक्स के अंदर भी इन लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए दिखाने का था। मेरे ख्याल से दोनों संसद पूरे देश के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करें तो 1,000 करोड़ रुपया 2 करोड़ इकट्ठा करना मुमकिन। पर साथियों आज उस मनी पावर के आगे गरीब आदमी को निरंतर झुकना है। और दूसरी चीज के पास है वो है मीडिया की पावर। आज टीवी उठा के देखो, आज के कुछ अखबारों में तो छपा है कि जीडीपी 5% पे आ गया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चलाई गई, मगर कोई आज उस पर चर्चा नहीं कर। और मैं तो हैरान था, एक देश का बड़ा चैनल परसों डिबेट करता है, आप मोदी को देखे मंदी को ना देखे। उधर को युवा साथी, अगर मंदी आ गई नौकरी देने की तो पेट कौन पाड़ेगी? सोचने का काम करो, देखना तो मंदी को पड़ेगा। अरे मंदी लाने वाला तो है, उसको तो हमने देखने का भी काम है। मगर साथियों इस मीडिया पावर मनी पावर के आगे अगर एक ताकत कोई हो जो आप लोगों की ताकत है वो मैन पावर की है, कार्यकर्ताओं की शक्ति की। अगर कार्यकर्ता मेहनत करने लगे तो आपके मार्ग में चलना 1984 के अंदर राजीव गांधी के 411 सांसद बने और 411 सांसद के बाद प्रसार भारती चला लो या दूरदर्शन चला लो, टीवी पर एक चीज दिखती थी राजीव गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया। उस समय चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते, ये टीवी अखबार जिस दिन मुझे ज्यादा दिखाने लग जाए ये सोच लेना मैं जनता से दूर हूं। और आज यही हालात देश के बढ़ रहे, मीडिया पे कैसा कब्जा कर रखा है साहब, 5 बैंकों का मर्जर हो गया, कोई चर्चा है? 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों से निकाल लिया रिजर्व बैंक से, क्या उसकी कोई चर्चा है? आज टीवी के ऊपर पिछले एक हफ्ते में कोई कश्मीर दिखा? आज हम टीवी की बात करें तो 6 प्रदेशों में बाढ़ आ रही है और 6 प्रदेशों के अंदर बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए। क्या एक बात भी उन लोगों के ऊपर कोई डिबेट है? आज देश विदेश के हालात क्या है? संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर 510 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर दिल्ली की धरती पर था, रातों रात देवी से देशी मिलाकर उसको तोड़ दिया जाता है, कोई चर्चा सुनने में आई? लाख लोग रैली करते हैं उसके विरोध में दिल्ली में, कोई चर्चा सुनने में आई? 250 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उनको धन्यवाद करूंगा बहन जी का कि उनको वकील मुहैया कराकर उनकी बेल कराने का काम पुलिस ने किया। पर साथियों आज ऐसी आदत बन गई कि टीवी पर फिर एक ही चीज दिखती कि चिदम्बरम की दीवार को खोद के सीबीआई घर के अंदर, लेकिन चिदम्बरम को 5 दिन की रिमांड, चिदम्बरम की रिमांड 2 तारीख तक बढ़ाई गई केवल मात्र ये दिखाने का लक्ष्य आज मीडिया का है। मगर साथियों एक तो आपकी ताकत है मैन पावर की, चौधरी देवीलाल जी ने उस पावर को जमाया और जब 1987 के अंदर मैन पावर ने काम किया था वही राजीव गांधी जिसपे 411 सांसद जीते थे हरियाणा में एक लक्ष्य लेकर चल रहा था कि हरियाणा में 90 की 90 सीटें जीते और उस राजीव गांधी को 90 में से 5 सीटों पर लाकर छोड़ने का काम किया, लोगों ने 85 सीट चौधरी देवीलाल जी। आज वही चीज प्रदेश के अंदर और एक नारा दिया जाता है अब की बात जितर पार, कोई पूछने का काम करे किस चीज की वजह से जितर पार जनता का साथियों इनके नारे कोई आगे लेगा ये कहते ना अब की बात जितर पार जोर लगा के कर दो इनको यमुना पार। बात जैसे तो साथ ने कहा यमुना पार होते इनका इलाज अपना साथियों
मुख्यमंत्री आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले। पहले तो मैं यमुना नगर वासियों से पूछ लेता, क्या किसी ने बताया कि इस यात्रा में मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेने गए हैं या आशीर्वाद लेने गए? आज मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आशीर्वाद लेने मुख्यमंत्री गए तो कोई पूछने का काम करे कि 20 फुट ऊपर हाइट पे बैठ के गरीब जनता जब नीचे चार चार पांच पांच घंटे इंतजार करकर बारिश के गर्मी में बैठी है, उससे आप आशीर्वाद कैसे लेंगे? और अगर मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने गए तो 5 साल में इस प्रदेश की जनता ने कई बार आशीर्वाद दिए, वो आशीर्वाद बीजेपी ने 3 बार इस प्रदेश को दला के दिया। 80 बेगुना लोगों को गोलियों से मारकर उनकी जान ले ली। आपके यमुना नगर में किस तरीके से ये बड़े बड़े पूंजीपति, इनके नेता, मंत्री, संतरी लीगल माइनिंग कर रहे हैं, इसको परमिशन देकर। साथियों, आप खुद सोचो, हर रोज हमारे प्रदेश में अपराध के क्या हालात है। एक रेप, तीन रेप, चार डकैती और एक मर्डर हर रोज हरियाणा प्रदेश में। क्या ये आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को? और आज प्रदेश के अंदर इस प्रचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के बाद ये यात्रा को बीजेपी के पैसों में नहीं, ये यात्रा जो है मुख्यमंत्री सरकार के पैसों से करता है और ये सरकारी प्रचार में भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे। साथियों, एक कहावत है, सूती छिपकली मच्छर घने का, जो सूती छिपकली होती है ज्यादा मच्छर खाया है। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा करोड़ों रुपए ना खाए हो आपके यहाँ मंत्री से सत्री तक ने इलीगल माइनिंग में। दादरी बिहारी महेंद्रगढ़ के अंदर सिर्फ ओवर लोडिंग घोटाला सामने आया, 5,000 करोड़ बिजली के बिल जो घर के बाहर लगाए जा रहे हैं उसके अंदर 100 करोड़ रुपया खाने का काम। ये जो रोडवेज बंद करके प्राइवेट बसें चलाई हमने किलोमीटर स्कीम के नाम से, 1,000 करोड़ का घोटाला तो सरकार ने हाईकोर्ट में डिटेल में देने का काम। और तो हमारे SC ST भाई उनके बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी, साथियों 4 दिनों की हमें ऑडिट हुई और 4 दिनों के आंकड़े आए हैं कि छात्रवृत्ति के इन लोगों ने 4 दिनों में 24 करोड़ रुपया खाने का काम किया। आज इस चीज का आशीर्वाद किस रूप के साथ मुख्यमंत्री मानने का और फिर बयान लेते हैं, घोटाले तो हुए पर हम लोगों को दबाने का काम युवा साथी। अगर दबाने का काम नहीं किया मुख्यमंत्री जी, आप इस यमुना नगर की धरती पर 2 घंटे जाम में फंसे रहे क्योंकि ओवरलोडिंग इलीगल माइनिंग के ट्रक ने आपकी गाड़ी के आगे ट्रक बंद करके ड्राइवर से भागने का काम किया। और वो दिन आज का दिन है, 1,000 से ऊपर इलीगल माइनिंग की FIR दर्ज हुई है, उसके बावजूद भी 1 व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेने का काम आपकी सरकार ने किया। साथियों, एक वादा गठबंधन की ओर से आज मैं कह देता हूँ, ये बड़े बड़े पूंजीपति माइनिंग करते हैं, इनके लाइसेंसेस भी नहीं, राह बना दो तो छोटा गांव का वासी है, अगर उसके पास 1 कनाल जमीन है और उसका माइनिंग करने का अधिकार है, उसको लाइसेंस आपका गठबंधन देगा। इन बड़े बड़े लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, पैसा जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए पेट्रोल पंपों पर, बिकल तेल भारत वहां लिखा हुआ था ना पर्ची ना खर्च। 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री जब सोनीपत पहुंचे तो वहां पर सरेआम एक आदमी ने अपने ऊपर तेल घेर कर आग लगाई और उसने जलने के बाद ये बयान दिया कि मेरे को खुद मुख्यमंत्री ने 2 मेरे बच्चों को नौकरी लगाने का वादा किया। क्या पर्ची नहीं थी? साथियों, ये ईमानदार है तो क्यों जुडिशियल एग्जाम देश में पहली बार आज लीक हुआ, 1-1 करोड़ में बिका हरियाणा प्रदेश की धरती पर? क्यों नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख रुपए में बिका? FIR दर्ज हुई, लोग अरेस्ट हुए, उसके बाद दिन में रिजल्ट निकाला। और असिस्टेंट प्रोफेसरों, लेक्चरर, 700 ऐसी भर्ती आती तो इस सरकार ने 2.5 लाख रुपए
पेपर लिए, कई लोग इंटरव्यू भी कर ली और उसके बाद रिश्वत का पेपर नहीं खोलने का पता होने पर गरीब बच्चों को वहां पर नौकरियां मिली, उसे एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर। ये बात आपके ईमानदारी, चार दिन पहले एसपीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट का हुआ, डॉक्टर घराने की बात है, 80 लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए उस लिस्ट के अंदर और 80 में से हरियाणा प्रदेश के कोई 50-60 नहीं, हरियाणा प्रदेश के केवल मात्र 2 बच्चे थे जो 80 के अंदर लिस्ट। क्या हमारे बच्चों का रोजगार का अधिकार नहीं? जब जमीन हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा, तो रोजगार का अधिकार होना चाहिए कि होना चाहिए? अगर अधिकार होगा तभी जाकर उसके लिए जैसे ही आता है गठबंधन की सरकार में